हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, डीटी प्लस बी ने एक और लिस्ट जारी की है जो कि है आपका स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड। पोस्ट कोड है आपका 87/17। ओके, और वो लिस्ट है आपकी रिजेक्शन लिस्ट विद रीज़न, डीटी प्लस बी ने डाली है। बाकी की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी डीटी प्लस बी की तरफ से सभी टीचिंग पोस्ट को लेकर अपडेट्स आ रही हैं। और उसके साथ ही अगर ओपन स्कूल से आपका रिलेटिव कोई 10th या 12th कर रहा है तो उनकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, जो कि हम डाल चुके हैं वीडियो पर। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम चलते हैं डीटी प्लस बी के उस नोटिफिकेशन की तरफ। ये है आपका रिजेक्शन नोटिस 359, और यहाँ पर रोल नंबर पोस्ट के साथ दिए हुए हैं और रीज़न बताया गया है, जैसे कि आप मैच कर सकते हैं। ये आपके रोल नंबर है यहाँ पर, और ये आपके रीज़न है कि जो 524 है इनका पहले है कि कैंडिडेट क्वालिफाइड सीटेट फॉर पेपर वन एंड नो बीएड स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, ये आपका मे बी TZT स्पेशल एजुकेशन के लिए वैकेंसीज हैं, तो स्पेशल एजुकेशन का बीएड होना चाहिए था और पेपर सेकंड इसको क्वालिफाई करना चाहिए था। इसी तरह से सेकंड नंबर पर जो है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, लेकिन बीएड नहीं किया हुआ है। थर्ड पे सीटेट क्वालिफाई नहीं है। फोर्थ पे फिर वही है, सीटेट क्वालिफाइड इन प्राइमरी स्टेज डोंट एलिमेंट्री स्टेज, यानी कि सेकेंड पेपर के लिए इन्होंने बोला था। TZT के लिए हमारा सीटेट सेकंड होना चाहिए और प्राइमरी के लिए सीटेट फर्स्ट होना चाहिए क्वालिफाई। एक्वायर्ड बीएड डिग्री बट नॉट 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, बीएड डिग्री है लेकिन 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में नहीं है। सीटेट नहीं किया हुआ है, सीटेट नहीं किया हुआ है, तो मैक्सिमम जो है वही चीज़ें हैं कि स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा नहीं है। और जो स्पेशल एजुकेशन, ये देखिए ये कैंडिडेट आया है कि कट ऑफ डेट के बाद उनकी बीएड हुई है और सीटेट प्राइमरी स्टेज पर क्वालिफाइड है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस आपके सीटेट से रिलेटेड ही हैं। क्वालिफाइड सीटेट अंडर OBC कैटेगरी बट अप्लाइड अंडर UR कैटेगरी। इससे साफ हो जाता है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में अगर आप जनरल हैं तो आपका सीटेट भी जनरल कैटेगरी से ही क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि मार्क्स आपके 90+ होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर इशू आए हैं। ओके, आप देख सकते हो, वीडियो को स्किप करके या रोक कर थोड़ी देर के लिए आप अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि हमारे जो ग्रुप है या मेरी तरफ से ऐसी इन्फॉर्मेशन दिल दुखाने वाली बच्चों की ना जाए, बट इससे कुछ ये जो डाली गई है वीडियो वो उन कैंडिडेट्स के लिए, चाहे आप इसे संबंधित हैं या नहीं, बट आपको आगे के लिए अवेयर आप हो जाएं कि क्या क्या इशू आपके आ सकते हैं रिमार्क्स में। ठीक है, रीज़न क्या हो सकता है अगर रिजेक्शन तक की नौबत आती है तो। ओके, तो ये सभी कैंडिडेट्स थे जिसमें से 2 की लिस्ट यहाँ पर ST में है। यहाँ पर ये 23 SC कैटेगरी से हैं, 7 OBC हैं, PH से 8 हैं और जनरल से OHPH से फिर ये 8 हैं और जनरल से आपके लगभग 29 कैंडिडेट्स का यहाँ पर डाला गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, बाकी की जो भी अपडेट आती है जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।